एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर बीएमसी ने बहुत बड़ी तैयारी करना शुरू कर दिया है। चौथी लहर को लेकर एक्शन मोड में बीएमसी नजर आ रही है। कानपुर आईआईटी और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी थी कि चौथी लहर एशिया में आ सकती है और इसी वजह से बीएमसी सावधान हो गई है। चौथी लहर के लिए बीएमसी तैयार कर रही है शहर में 1,00,000 से ज्यादा बेड्स। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने इस बारे में जानकारी दी है। तो चौथी लहर को लेकर बीएमसी सावधान नजर आ रही है। कानपुर आईआईटी के बाद WHO ने भी चौथी लहर को लेकर सावधानी बरतने की अपील की थी, क्योंकि भारत में चौथी लहर का अंदाजा जून जुलाई में लगाया जा रहा है। इस वजह से बीएमसी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि चौथी लहर के दौरान मरीजों को यहां वहां ना भटकना पड़े, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। इस वजह से बीएमसी ने चौथी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में कोरोना फिर से सर उठा रहा है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में कोरोना वापस फैल चुका है। तो इसी वजह से बीएमसी ने तैयारी करना शुरू कर दिया है चौथी लहर को लेकर। बीएमसी 1,00,000 से ज्यादा बेड तैयार कर रही है। मुंबई में कोरोना की संभावित चौथी लहर को लेकर बीएमसी की एक बहुत बड़ी तैयारी है। तो चौथी लहर को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है बीएमसी। कानपुर आईआईटी और WHO की चेतावनी के बाद बीएमसी सावधान मोड में है। चौथी लहर के लिए बीएमसी तैयार कर रही है 1,00,000 बेड्स। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने इस बारे में जानकारी दी है। तो लक्षण वाले रोगियों के लिए 30,000 बेड्स होंगे, बिना लक्षण वाले रोगियों के लिए 40,000 बेड्स होंगे और कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए 30,000 बेड्स होंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर 1,00,000 बेड्स चौथी लहर के लिए तैयार कर रही है बीएमसी।